कि शुरुआती कुछ दिनों में किसी भी रीजन से, आप रीजन भली भांति समझते हैं, अब वो आदमी जानबूझ के किया कि अनजाने में हुआ लेकिन रोज हुआ। जानबूझ कर लेट कहां से सोच पाते हो यार, मतलब बिल्कुल मत सोचो एकदम ऐसा, एकदम मतलब ये सोच में ही नहीं आ सकता है। देखते थे ना, आप खुद ही देखते थे, 9:30 से 10:30 लोग क्लास कर रहे, 10:30 में मेरे क्लास में एंट्री मारा। अब हम बीच डेरिवेशन में, कहता है फिर से समझाइए, तो जो बच्चा बेचारा शुरू से देख रहा है वो तो गया ना, वो तो गया, और नहीं फिर से समझाएंगे, वो छोड़ के निकल जाता था, वो ये नहीं सोचता था कि हम छोड़ के निकल रहे तो अल्टीमेटली हम अपना ही घाटा कर रहे हैं, हाँ या ना। फिर वो धीरे 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 वो पीछे होते चला हो गया। अच्छा सुनो ना, जिनका अभी क्लास होगा ना, आप चले जाइएगा, ये वाला जो लेक्चर है हम प्राइवेट वराइवेट नहीं करेंगे, तो जहां तक आप पढ़े हो ना उसके बाद आके पढ़ लेना, क्योंकि बीच में छोड़ना ठीक नहीं होगा। ठीक है, हमको लगता है कि 7-8 मिनट और लगेगा, तो अगर वहां पर छूट जाएगा शुरू वाला, अगर वहां पर छूट जाता है तो हो सकता है पूरा क्लास आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो अगर किन्हीं का क्लास है तो आप जाके क्लास कर लो, और उसके बाद में फिर आके दूसरे सब्जेक्ट में भी इसी तरह अपने से आपको बनाना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता, हम कभी भी इस बात के पक्षधर ही नहीं है कि हम किसी तरह, तुम मेरा पढ़ो, मेरा गुणगान करो, हमको गॉड 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 बोलते रहो, दूसरे सब्जेक्ट में तुम डूब जाओ, इस तरह का हम आदमी ना पहले थे ना हम। तीनों सब्जेक्ट से बे इंतहा मोहब्बत है हमको, तीनों सब्जेक्ट से। ठीक है, आज भी हमको केमिस्ट्री पढ़ने, केमिस्ट्री सीखने में उतना ही मजा आता है जितना हमारे टाइम में आता था, बस थोड़ा सा भी माहौल थोड़ा खराब हो गया है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का। आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो भाई, आप बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ाओ, आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ाने का मन है या कुछ ऐसा लग रहा है आपके पास कि नोमेनक्लेचर को एक दिन में रिएक्शन में जो भी है तो पढ़ाओ, एकदम आप पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, मोस्ट वेलकम है, हम भी पढ़ाते हैं फिजिक्स, फिर दुनिया को पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ से कितना किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, ये आराम से कर सकते हैं। बार बार हमने कभी बोला है कि एक क्लास में कोई चीज़ पढ़ लो, आज भी रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं आपको, हमने बोला है 8 क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ लो, क्या खराब बोला था, क्या खराब बोला था, 12th के बच्चे को 8 क्लास में नोमेनक्लेचर, वहां बोल दिया गया 1 क्लास में बोला था, बच्चा सब ताली पीट रहा है, यस सर आप बहुत अच्छे हैं, तो बच्चा को सच्चाई नहीं पता है, हम क्या कर लेंगे, हम माथा पटक भी लेंगे मोबाइल पे तो उसको सच्चाई थोड़ी पता चल जाएगी। बिल्कुल हम सैड नहीं है, एकदम सैड नहीं है, ठीक है वो जो है, बट बहुत तकलीफ में थे कि यार ऐसा भी होता है। और एक मेरा बहुत एकदम बचपन से, और ये मेरा एक आदत रहा है कि हम कभी किसी मुद्दे को छूते नहीं हैं, अगर छू लिए तो फिर बीच में लटकाते नहीं हैं, मुद्दे को एक अंजाम तक ही पहुंचाते हैं, तो ये मुद्दा को ख़त्म करके ही रहेंगे हम। तो कोई एक हम बड़ा एक्शन लें, बड़ा एक स्टेप लें, उसके पहले का ये लास्ट मैसेज है मेरा कि भाई चलो, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एकदम प्यार मोहब्बत से, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसका लोग एग्जांपल देके, देखो कितने अच्छे से लोग वहाँ पर रहते हैं, कितने अच्छे से लोग रहते हैं, वो सब चीज़ बिल्कुल गलत बात हो गया। ठीक है, आई होप जानते हैं किसी इंसान का दर्द आप तभी समझ सकते हैं जब आप उस इंसान की जगह पे खड़ा होंगे, दूर से ना कोई भी इंसान आपको खुश नजर आ सकता है, लगता होगा बहुत बड़ा आदमी है, ये है वो है, लेकिन उस इंसान का दर्द आप उसके जगह पे ही रहिएगा तभी समझ में आएगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक वर्ड नहीं छोड़ना है,